नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्ट्रेट जीरो चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेक्चर 5 इन दिस वंडरफुल सीरीज ऑफ मध्य प्रदेश हिस्ट्री। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे रीजनल हिस्ट्री ऑफ एमपी, जो हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने रीजनल हिस्ट्री में देखे थे दो रीजन्स, एक देखा था मालवा रीजन और दूसरा देखा था बुंदेलखंड रीजन। आज के लेक्चर में हम कुछ और जो एमपी के रीजन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो लेक्चर सीरीज है दोस्तों, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप इसे बिल्कुल निश्चिंतता के साथ देखिए। ये आपके हर एस्पेक्ट को बड़े होलिस्टिकली कवर करती है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको इसी वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना है और और अच्छे से रिवाइज करना है, और मैं गारंटी देता हूं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है जो आप देख सकते हैं। तो इस सिलेबस का हम लोग अभी ये वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ एमपी के बारे में है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया है पिछले लेक्चरों में भी कि जो एमपीपीएससी की हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज है, इसमें मैं टोटल 9 लेक्चर्स अपलोड करूंगा और ये मेरा 5th लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने कुछ डायमेंशंस जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एमपी, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ एमपी, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एमपी, फिर उसके बाद रीजनल हिस्ट्री ऑफ एमपी का 1st लेक्चर देखा था। आज हमारा ये रीजनल हिस्ट्री ऑफ एमपी पे 2nd लेक्चर है जिसमें हम कुछ आगे आने वाले रीजन्स के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी मालवा और बुंदेलखंड रीजन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 3 जो रीजन है जैसे कि एक बाघेलखंड, अगला महाकौशल रीजन और तीसरा निमार रीजन, इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाघेलखंड रीजन। तो ये बाघेलखंड रीजन है कौन सा वाला, तो आप ये देख सकते हो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में आता है आपका बाघेलखंड रीजन, ठीक है। बाघेलखंड रीजन को विंध्या प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विंध्या प्रदेश, ठीक है। बाघेलखंड रीजन बोल लो या विंध्या प्रदेश बोल दो, एक ही बात है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होता है, प्लस इसमें छोटा सा एरिया यूपी का भी आता है। जो यूपी आप देख रहे हो एमपी के जस्ट ऊपर है यूपी, तो जो यूपी के जस्ट नीचे हो गया साउथ और ईस्ट में पड़ता है, तो इसलिए साउथ ईस्टर्न पोर्शन भी आता है। बाघेलखंड रीजन इंडो गैंगेटिक प्लेन से सराउंडेड है। इंडो गैंगेटिक प्लेन क्या हो गया, इंदस और गंगा नदी की जो मतलब नदी निकलती है उसके जो प्लेन एरिया है उसको बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो जो बाघेलखंड वाला रीजन है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन से सराउंडेड है नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ यानी ऊपर से और ईस्ट यानी ईस्ट से, ठीक है। प्लस क्या कहते हैं, बुंदेलखंड रीजन है वेस्टर्न पोर्शन में, जो हमने लास्ट टाइम देखा था बुंदेलखंड रीजन, और विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज यानी जो विंध्या प्लेट्यू है वो इसके साउथ में पड़ता है। सबसे पहले 6 से 12 जो सेंचुरी थी वो बाघेलखंड रीजन में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम है कालचुरी डायनेस्टी, वो यहाँ पे रूल किया करती थी। और ये जो डायनेस्टी है वो वॉरलाइक डायनेस्टी थी, मतलब हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी, ठीक है। और इनका स्ट्रांग होल्ड था कलिंजार पे, कहाँ पे था, कलिंजार। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द स्ट्रांग होल्ड ऑफ क्या कहते हैं कालचुरी डायनेस्टी, तो आपको पता होना चाहिए कलिंजार। 13th सेंचुरी में इस रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया था बाघेल राजपूत ने। बाघेल राजपूत कौन है, ये एक तरीके से सोलंकी रूलर्स जो कि गुजरात में रूल करते थे उनकी ब्रांच है, जो ईस्टवर्ड माइग्रेट किए थे और उन्होंने अपना सेटअप कर लिया था, ठीक है, कालचुरीज को हटा के। बाघेल में अगर कोई सबसे बड़े पहले राजा का नाम पूछता है या पावरफुल राजा का नाम पूछता है तो वो है ब्यागरादेव, ठीक है। ब्यागरादेव से ही हमारे जो चीता को जो बाघ बोलते हैं हिंदी में या संस्कृत में, तो इन्हीं के नाम से ड्राइव किया गया है। प्लस इस जो बाघेल राजपूत है इनमें जो फेमस प्रिंस है उनका नाम है आला प्लस उड़ाल, ठीक है। तो इतना काफी है, अब आगे चलते हैं। ये बाघेल डायनेस्टी के बारे में आप जान सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये सोलंकी डायनेस्टी का ही एक ब्रांच है, ओके। और जैसे मैंने बताया कि आपको ये जो ब्यागरादेव थे वो आए थे बाघेलखंड में 1350 में और उन्होंने एक फोर्ट्रेस को भी जीता था, मरफा का फोर्ट्रेस, और फिर ये उनके आगे के वंशज हैं। आगे की बाघेलखंड की हिस्ट्री में क्या है कि 13th सेंचुरी में जो बघेल्स आए थे जो कि एक ब्रांच है सोलंकी रूलर्स के, उन्होंने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था, स्पेशली कहां पे, रीवा पे, आज का जो रीवा है ना उस पे। और इनके जो पहले राजा हैं ब्यागरादेव वो गुजरात से आए थे और उन्होंने रूल एस्टेब्लिश किया। फिर मैंने वो हिस्ट्री भी बताई कि जो बाघ नाम, जो बाघ टर्म है वो इन्हीं के नाम से ड्राइव किया गया है, और इनके जो डिसेंडेंट है उनको बघेल बोला जाता है। जो सबसे पावरफुल प्रिंस ऑफ फाइटर्स थे इनकी डायनेस्टी के वो है आल्हा और उड़ाल, ठीक है।
1871 में बाघेलखंड में बाघेलखंड एसएनजी एजेंसी बनाई गई, जो कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी का पार्ट थी। ठीक है, मैं आपको काफी बार सेंट्रल इंडिया एजेंसी का फोटो दिखा चुका हूं। तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी समझ लीजिए एक बड़ी सी जगह है, उस बड़ी सी जगह में एक छोटा सा एरिया है जिसको बाघेलखंड एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो वो कब बनाया गया, 1871 में। आगे चलते हैं, बाघेलखंड रीजन जो है उसमें रीवा भी आता था और कुछ और भी स्टेट आते थे, प्लस बाघेलखंड एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो है सतना। ठीक है, बाघेलखंड एजेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका जो रीजन था वो है सतना, और ये बना था ईस्टर्न हाफ ऑफ द विंध्या प्रदेश। ये टोटल है विंध्या प्रदेश, विंध्या प्रदेश में आपका बुंदेलखंड प्लस बाघेलखंड आता है, तो जो इसका ईस्टर्न पोर्शन है वो हो गया बाघेलखंड। ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं विंध्या प्रदेश कब बनाया गया था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो चार स्टेट बनाए गए थे सेंट्रल, अगर आप सेंट्रल इंडिया में देखें, एक तो आपका मध्य प्रदेश ही था, दूसरा आपका मध्य भारत, तीसरा आपका विंध्या प्रदेश, और चौथा आपका भोपाल स्टेट। फिर 1956 में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो इन चारों को मिला दिया गया और नया एमपी जो आप आज का एमपी देखते हो वो बनाया गया। ठीक है, तो इस टाइप से था। तो विंध्या प्रदेश में आते हैं आपके बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड रीजन। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं बाघेलखंड रीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है एमपी की, तो वो है रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और चित्रकूट, जो यूपी का चित्रकूट है वो भी आता है। ठीक है, और ये इन्फो, ये मैंने आप पिक्टोरियली मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशन लिए जिनसे आप ये याद रख सकते हैं, जैसे आला और उडाल। ठीक है, प्लस यहाँ पे कौन कौन से रीजन है, तो जो मैंने अभी आपको डिस्ट्रिक्ट बताए हैं कि कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका रीवा हो गया, सतना हो गया, शेडोल हो गया, सीधी हो गया, तो आप ये इन सब की लोकेशन देख सकते हो और आप इसको यू नो दो तीन बार इस मैप को देख लो तो आपके दिमाग में अच्छे से स्टिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब इसी के बाद आते हैं हम नेक्स्ट रीजन पे, जो है महाकौशल रीजन। कौन सा, महाकौशल रीजन। ठीक है, पहले तो ये जान लेते हैं महाकौशल रीजन है कौन सा। तो ये जो ग्रीन कलर का रीजन है ना, वो है पूरा महाकौशल। एक तरीके से समझ लीजिए जो आज का जबलपुर वाला एरिया है वो और उसकी सराउंडिंग कुछ एरियाज हैं, वो है आपका महाकौशल रीजन। अब ये पड़ता कहाँ पे है, महाकौशल पड़ता है इंडिया जो एमपी है उसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। ठीक है, किस पोर्शन में, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में ऑफ एमपी एंड ईस्टर्न अपन रीचेस ऑफ नर्मदा रिवर वैली। तो आपको पता है यहाँ से नर्मदा वैली निकलती है, तो इसके जो नर्दर्न रीजन है वहां पे पड़ता है आपका महाकौशल रीजन। कौन कौन सी इसमें सिटीज या डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, तो जबलपुर हो गया, कटनी हो गया, नरसिंहपुर हो गया, मंडला हो गया, डिंडोरी, सियोनी एंड छिंदवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, मैंने ये प्रॉपरली आपको डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि कौन कौन सा एरिया आता है इसमें। तो ये रहा छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट। ठीक है, तो ये पूरा रीजन आ जाता है आपका महाकौशल रीजन में। आगे महाकौशल की हिस्ट्री में क्या है ये देखते हैं। महाकौशल वाला जो रीजन है वो मेनली हिंदी स्पीकिंग एरिया है, यहाँ पे मेनली हिंदी बोली जाती है, इसके अलावा यहाँ पे गोंडी और मराठी भी बोली जाती है। यहाँ पे किन किन डायनेस्टी ने अपना रूल जमा के रखा है, तो एक है गोंड डायनेस्टी, दूसरा है कालचुरीस और तीसरा है मराठास। ठीक है, तो इन तीन डायनेस्टीज ने अपना रूल जमा के रखा था इस रीजन में। जबलपुर यहाँ की सबसे हिस्टोरिकल प्लेस भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है, और क्या कहते हैं इसको गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महाकौशल रीजन को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे तीन डायनेस्टी थी, एक हो गई आपकी कालचुरी डायनेस्टी, उससे पहले थी गोंड डायनेस्टी और उसके बाद थी मराठा डायनेस्टी। ठीक है, तो कालचुरी डायनेस्टी यहाँ पे आई थी 9वीं और 10वीं सेंचुरी में आई थी और वो जबलपुर से रूल करते थे। यहाँ पे मोस्ट पावरफुल रूलर जो इनके टाइम के थे, मतलब जो ये कालचुरी डायनेस्टी है वो यहाँ की सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर्स इसी डायनेस्टी में हुआ करते थे 13वीं से 16वीं सेंचुरी। अब ये 13वीं से 16वीं सेंचुरी में जो जबलपुर है वो कैपिटल थी गोंड डायनेस्टी की। ठीक है, कौन सी, गोंड डायनेस्टी। जैसे मैंने बताया पहले कालचुरी थे, फिर गोंड डायनेस्टी आई और फिर आपकी मराठास आए। तो 13वीं से 16वीं सेंचुरी में थी गोंड डायनेस्टी और उसकी भी कैपिटल जबलपुर ही थी। गोंड को हरा दिया था किन्होंने, मुगल्स ने हराया और काफी, और उन्होंने फिर वहां पे रूल भी किया बहुत छोटे से समय के लिए, और उनको हटा के, मुगल्स को हटा के फिर कौन आ गया, मराठा पेशवास। ठीक है, तो उनको हटाने के बाद आ गया मराठास। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पहले सबसे पहले मैंने बताया ये हिंदी स्पीकिंग एरिया है, इसको गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये गोंडवाना का पार्ट था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे गोंड डायनेस्टी आई थी, तो इस इन्फोग्राफिक इस पिक्टोग्राफिक से आप याद रखना कि गोंड्स यहाँ पे थे। उसके अलावा फिर आपको मैंने बताया यहाँ पे कालचुरियाज आए, किस टाइम पीरियड में आए थे, 9वीं और 10वीं सेंचुरी में। तो ये कालचुरिया का आप एरिया देख सकते हो, ये कालचुरी एम्पायर का एरिया है। उसके अलावा फिर मैंने बताया कालचुरीज को हटा के गोंड्स और गोंड्स को हटा के आए आपके मुगल्स। ये है आपके मुगल्स का फोटो। ठीक है, मुगल्स ने काफी शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे रूल किया था,
फिर मुगल्स को हरा दिया था किन्ने? मराठास ने। ये देख सकते हो पेशवा बाजीराव का फोटो मैंने लगा रखा है, तो इससे याद रखना। फिर आ गए यहाँ पे मराठा पेशवास। फिर आगे चलते हैं, फिर मराठा जब रूल कर रहे थे तो मराठास ने ये वाला जो रूल एरिया था वो अपने एक उनको दे दिया था, एक तरीके से सब ग्रुप को दे दिया था, उसका नाम था भोसलेस। ठीक है, तो वो भोसलेस को उन्होंने दे दिया। फिर जब मराठास हार गए ब्रिटिशर से, हारे थे थर्ड बैटल ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, जब वो हार गए थे 1818 में, तो ये जो रीजन है मराठा ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था मराठास को हरा के। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मराठा के बाद क्या हुआ, ये जो महाकौशल वाला रीजन है इसको ब्रिटिश प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया था। और इसमें कौन कौन सी टेरिटरीज आती थी, सागर की और नर्मदा टेरिटरीज। ठीक है, सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज। 1853 में ब्रिटिश ने नागपुर को भी एनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ गया, अब साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश आ गया, ईस्टर्न महाराष्ट्र आ गया और छत्तीसगढ़ आ गया, जिसको कंबाइन करके सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज के साथ उन्होंने बना दिया सेंट्रल प्रोविंस। तो पहले मैंने क्या बताया, मराठास को हराया। मराठास को हराने के बाद तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में जब हरा दिया तो उन्होंने सागर और नर्मदा टेरिटरीज का क्रिएशन किया। फिर उसके बाद 1853 में 1853 में जब ब्रिटिशर्स ने साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश को भी एनेक्स कर लिया और ईस्टर्न महाराष्ट्र को कर लिया प्लस छत्तीसगढ़ को ऑक्यूपाई कर लिया, तो उन्होंने ये सारे रीजन को मिला के प्लस सागर और नर्मदा टेरिटरीज को मिला के एक नई टेरिटरी का नाम रखा, जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस 1861 में। इस तरीके से सेंट्रल प्रोविंस में दो डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक रीजन आ गए, एक महाकौशल जहाँ पे हिंदी बोली जाती थी और एक विदर्भा आ गया जिसमें मराठी बोली जाती थी। ठीक है, अब आपको मैं यही चीज पिक्टोरियली बताऊंगा। तो ये है आपकी सागर और नर्मदा की टेरिटरीज। फिर उसमें क्या किया गया, उसमें कुछ रीजन मिला दिए गए, जैसे कि ये आपकी सागर वगैरह वाला रीजन था, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र वाला रीजन आ गया, फिर कुछ क्या कहते हैं साउथ ईस्टर्न एमपी भी मिला दिया इसमें और कुछ छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन मिला दिया। तो इन सबको मिला के इस पूरे रीजन का नाम रख दिया था सेंट्रल प्रोविंस। और जो ऊपर वाला रीजन था जिसमें बुंदेलखंड बाघेलखंड और मालवा था, उसको बोलते थे सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। महाकौशल रीजन में जैसे कि हमने देखा ये महाकौशल वाला रीजन था, उसको एक तरीके से सेंट्रल प्रोविंस क्रिएट कर दिया था। फिर क्या हुआ, अब कुछ टाइम बाद महाकौशल रीजन, हमें पता है कि जब इंडिपेंडेंस हुआ तो एमपी बना दिया गया था। ठीक है, 1856 में, और उसमें ये सारे रीजन इंक्लूड कर दिए थे, चाहे फिर वो बाघेलखंड हो बुंदेलखंड हो मालवा हो। तो अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद डिमांड उठने लगी किसके लिए, सेपरेट स्टेट के लिए। और वो ऐसा क्यों, क्योंकि लैक ऑफ महाकौशल मुक्ति मोर्चा, ये किसने किया था, डिमांड उठने लगी थी किसकी वजह से, कि रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से। और ये किसने किया था, महाकौशल मुक्ति मोर्चा, ये एक पार्टी का नाम है जिन्होंने ये रखा था। ठीक है, अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया गया है एमपी हाई कोर्ट बार काउंसिल के द्वारा, जिन्होंने ये बोला है कि क्या कहते हैं रीवा खंड बनाया जाएगा 25 डिस्ट्रिक्ट के साथ। और इसमें कौन सी 25 डिस्ट्रिक्ट होंगी, एक महाकौशल की और दूसरी बुंदेलखंड की। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो महाकौशल रीजन है वो थोड़ा सा अनस्टेबल रीजन है। और क्यों है वो अनस्टेबल रीजन, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज की कमी है, डेवलपमेंट नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ है, गरीबी बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्लस ये भी रीजन है, प्लस और दूसरा रीजन ये है कि इनको ऐसा लगता है इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो काफी डिफरेंट है, तो वो एक सेपरेट स्टेटहुड चाहते हैं। और इसकी डिमांड कौन उठाता रहता है, महाकौशल मुक्ति मोर्चा। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो एमपी का हाई कोर्ट की बार काउंसिल है, उन्होंने इस डिमांड को, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक नई डिमांड रखी कि रीवा खंड बनाया जाए और रीवा खंड में 25 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड की जाए, जिसमें से क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड से भी होंगी और महाकौशल रीजन से भी होंगी। उसके अलावा अब अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि भाई व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फ्रॉम द महाकौशल रीजन, तो आपको बड़ी सिंपल सी वो डिमांड्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो महाकौशल है कि उसमें मिनरल्स वगैरह तो काफी हैं, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट बेल्ट है, वाटर रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं है। मतलब क्या कर रही है सरकार कि इस रीजन से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है और बाकी जो आजू बाजू वाली रीजन है जैसे मालवा रीजन हो गया या फिर और कोई सा रीजन है, वहां पे फैक्ट्रीज लगा देती है, तो इस रीजन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। ठीक है, तो एक रीजन ये हो गया कि रिसोर्सेज होते हुए भी यहाँ पे गरीबी है। दूसरा, डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी,
मतलब इन लोगों को क्या लगता है कि इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो एकदम अलग है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जबलपुर सिटी है वो पुराने टाइम में कल्चरल कैपिटल बोली जाती थी, संस्कार धानी, मतलब पहले भी बोली जाती थी, आज भी बोली जाती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ओल्डेस्ट टाउन है, ठीक है। तो कल्चरली और सोशली महाकौशल रीजन के जो लोग बाग हैं उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अलग हैं बाकी रीजन से, जो एमपी का बाकी रीजन है उससे काफ़ी अलग हैं, स्पेशली विंध्या प्रदेश वाले रीजन से, ठीक है। और उनको ऐसा ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि ये वाला जो रीजन था वो ब्रिटिश रूल के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था, और जिससे ये वाला जो रीजन है काफ़ी प्रोग्रेसिव हो गया है, लिबरल आइडियाज हैं और मॉडर्न हो गया है, तो इनके अंदर काफ़ी डेमोक्रेटिक फीलिंग्स आ गई हैं, जबकि बाकी रीजन्स में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि दे शुड बी अ सेपरेट स्टेट। तो हमने पहला देखा कि इनके पास रिसोर्सेज तो हैं पर क्या है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज नहीं है। दूसरा हमने देखा ये कल्चरली काफी प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव का मतलब ये ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, है ना, ज्यादा लिबरल आइडियाज हैं, तो ऐसी सारी चीजें हैं, तो इनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, तो इनको ये लगता है कि अब ये ज्यादा फॉरवर्ड है और इसीलिए एमपी से अलग होना चाहते हैं। उसके अलावा एक और दिक्कत है, एक और दिक्कत क्या है कि जो गोंडवाना वाला एरिया है वहां से भी डिमांड उठती रहती है, मतलब जैसे गोंडवाना जो वाला एरिया है महाकौशल रीजन में, वहां से डिमांड उठती है कि भाई गोंडवाना लैंड बना दिया जाए, स्टेट ऑफ गोंडवाना बना दिया जाए, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो इसकी वजह से और वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो ये गोंड वाला रीजन था उसको गोंड किंग रूल करते थे, और इवन आज भी मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, सियोनी और बालाघाट में गोंड की ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। ट्राइबल्स अगर देखे जाए तो एटलीस्ट 64% है डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में, और मंडला में 57%, तो यानी काफी बोन्स रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका एक डिफरेंट स्टेट ही बना दो, ठीक है। तो ये तीसरा रीजन हो गया क्या कि पैरेलल डिमांड्स। तो ये अभी तक हम तीन रीजन्स देख चुके हैं, अब आगे चलते हैं। तो अभी जैसे मैंने ये आपको पिक्टोरियल ये बताने की कोशिश की है, एक तो ब्रिटिश इंडिया का इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल्स आ गए हैं, प्लस विंध्या प्रदेश से इनका कल्चर भी काफी डिफरेंट है और रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेस। आगे चलते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो गोंडवाना वाला एरिया है वो कौन सा है, तो गोंडवाना वाला एरिया ये है। आगे चले, अच्छा अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से डिमांड उठती रहती है सेपरेट स्टेटहुड के लिए, तो इसके लिए एक पार्टी भी बनाई गई, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ठीक है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और ये पार्टी कब बनाई गई, 1991 में, जो स्ट्रगल कर रही है किसके लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट गोंडवाना स्टेट दैट वर रूल्ड बाय द गोंड्स। और इसमें कौन कौन सा रीजन आता है, महाकौशल वाला, विदर्भा वाला और छत्तीसगढ़ वाला। तो इसी के साथ दोस्तों महाकौशल वाला रीजन समाप्त होता है, अब हम आते हैं नेक्स्ट रीजन पे, वो है निमार रीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, सर ये निमार वाला रीजन कौन सा है, तो ये निमार वाला हो गया आपका ये साउथ वेस्टर्न वाला, सबसे नीचे वाला, जिसमें आपका वेस्ट निमार आता है, ईस्ट निमार आता है, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बरवानी, ठीक है ना, तो ये वाला पूरा रीजन। तो ये क्या है, साउथ वेस्टर्न रीजन है, और ये साउथ में लाई करता है, साउथ में, ठीक है, साउथ ऑफ द विंध्या रेंज में लाई करता है, ठीक है। और इसमें जो सतपुरा है वो इसको डिवाइड करता है दो पोर्शन में, ठीक है, दो पोर्शन में डिवाइड करता है। तो क्या क्या मैंने बताया, पहली बात तो साउथ वेस्टर्न रीजन में लाई करता है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न रीजन में एमपी के विंध्या रेंज के साउथ में है, और सतपुरा जो है वो इसको डिवाइड करते हैं दो पोर्शन में। इसकी जो हाइएस्ट पीक है उस पर एक फोर्ट बनाया है, कौन सा फोर्ट, फोर्ट ऑफ आसिरगढ़, आसिरगढ़ का, ठीक है, और जो कि काफी पुरानी सेंचुरी से ना यहाँ से एक पास निकल रहा है, जो पास साउथ को नॉर्थ के साथ जोड़ता है, साउथ में यानी डेक्कन को, साउथ का डेक्कन जो है, डेक्कन प्लेट्यू, उसको नॉर्थ के साथ जोड़ता है। तो ये उन पासेस को क्या कहते हैं, गार्ड करता है एक तरीके से। यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो है निमाड़ी, कौन सी लैंग्वेज, निमाड़ी। महाकौशल रीजन में जैसे हमने देखा था हिंदी बोली जाती है, मालवा रीजन में मालवी बोली जाती है, बुंदेला बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है, राइट, तो निमाड़ में निमाड़ी बोली जाती है, जो कि मालवी से काफी रिलेटिव है, मतलब सेम जैसी है। प्लस निमाड़ रीजन में कल्टीवेशन होता है, किसका कल्टीवेशन होता है, कॉटन का और मिलेट्स का। प्लस यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उन फॉरेस्ट का नाम है पुनासा फॉरेस्ट, जो कि 190 किलोमीटर तक फैले हुए हैं साउथ बैंक ऑफ नर्मदा। और इस पुनासा फॉरेस्ट में दो ट्रीज मिलते हैं, कौन कौन से, टीक और अंजम। तो अब पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं इस रीजन पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा आ सकता है, शॉर्ट नोट ऑन निमाड़ रीजन, ऐसा आ सकता है कि क्या कहते हैं, आप ये बताइए पुनासा फॉरेस्ट पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पुनासा फॉरेस्ट तो आपको बताना होगा, इनकी लोकेशन आपको, इनकी स्प्रेड के बारे में बताना होगा, आपको ये बताना होगा कि क्या कहते हैं यहाँ पे कौन से पेड़ होते हैं, तो टीक और अंजम,
ठीक है, बाकी प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट आ सकता है पुनासा फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच रीजन, ठीक है, हाईएस्ट पीक भी आ सकती है तो वो है आसिरगढ़। आई होप नाउ इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, ये देख सकते हो आसिरगढ़ फोर्ट, ये कहाँ पे पड़ता है, निमाड़ रीजन में पड़ता है और ये हाईएस्ट पीक पे बना हुआ है। आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया निमाड़ी, निमाड़ी यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। आगे और मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट कौन सी है, पुनासा फॉरेस्ट है, याद रखना पुनासा फॉरेस्ट। ये देख सकते हो पुनासा फॉरेस्ट की लोकेशन। अब आगे चलते हैं, निमार रीजन में आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जो निमार है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था और ये नर्मदा डिवीजन में पड़ता था। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले पोर्शन में बताया था, जो सेंट्रल प्रोविंस थी, सेंट्रल प्रोविंस को कैसे बनाया गया था, सेंट्रल प्रोविंस को बनाया गया था सागौर डिवीजन प्लस नर्मदा डिवीजन, और फिर उसमें क्या किया था कि कुछ महाराष्ट्र का पोर्शन, कुछ एमपी का पोर्शन और कुछ छत्तीसगढ़ का पोर्शन मिला के क्या बना दिया था, सेंट्रल प्रोविंस बना दिया था। कब बनाया था, 18th। तो ये जो क्या कहते हैं निमार है वो नर्मदा डिवीजन का पार्ट था सेंट्रल प्रोविंस में। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो था खंडवा, आज का जो आज खंडवा आप डिस्ट्रिक्ट सुनते हैं वो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से समझ लीजिए कैपिटल था वो, ठीक है। प्लस अगर ऐसा भी बोला जाता है, लेकिन मुगल टाइम पे जो कैपिटल थी वो कौन सी कैपिटल थी, बुरहानपुर। निमार रीजन में मुगल टाइम्स पे जो कैपिटल थी उसका नाम है बुरहानपुर, लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ कि ब्रिटिश के टाइम पे कौन सी कैपिटल थी, दैट वॉज खंडवा। निमार की एक अपने आप में डिस्ट्रिक्ट, जो निमार जो है वो अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट भी था, जो आज का आप निमार देखते हो वो वाला निमार नहीं, पुराने टाइम में निमार एक कंबाइंड वो था, एक डिस्ट्रिक्ट था और वो डिस्ट्रिक्ट लाया करता था प्रिंसली स्टेट ऑफ इंदौर में, जो कि बेस्ट बेस्ट पोर्शन बनाता था ब्रिटिश का, ब्रिटिश टेरिटरीज का, ठीक है। ये मैप में आप देख सकते हो, मैप में जैसे कि आपको मैंने बताया है ये सेकंड वाला पोर्शन है नर्मदा डिवीजन और ये पूरा मैप है सेंट्रल प्रोविंस का, ठीक है। ये पिंक वाला पोर्शन बनाता है आपका सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, और इसमें आपके तीन चार डिवीजन आते हैं, एक आता है आपका नर्मदा डिवीजन, सागौर डिवीजन, छत्तीसगढ़ डिवीजन, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ऊपर वाला, ये है नर्मदा डिवीजन, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि खंडवा कैपिटल था, तो ये आप ओमकारेश्वर से याद रख सकते हो, ओमकारेश्वर का मंदिर भी खंडवा में ही है, ठीक है। उसके अलावा बुरहानपुर जो थी वो कैपिटल थी मुगल टाइम्स पे। आगे चलते हैं, तो निमार रीजन में जैसे कि मैंने बताया जब इंडिपेंडेंस हुई एमपी की 1947 में, तो ये जो ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट थी निमार रीजन वाली, उसको चेंज करके बना दिया निमार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो पहले इंक्लूड थी आपके नर्मदा डिवीजन में या सेंट्रल प्रोविंस में, तो उसको अब उसका रीनेम कर दिया, रीनेम करके उसका नाम क्या रख दिया, निमार डिस्ट्रिक्ट, और निमार डिस्ट्रिक्ट एक नया स्टेट बन गया, ठीक है। और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सीट क्या थी, खंडवा, और निमार डिस्ट्रिक्ट जो इंदौर स्टेट का निमार डिस्ट्रिक्ट था वो बन गया एमपी का नया डिस्ट्रिक्ट, सॉरी एमपी का बोल रहा हूँ, मध्य भारत का एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए इंडिया इंडिपेंडेंट हुई 1947 में, तो जब इंडिपेंडेंट हुई तो चार रीजन बने सेंट्रल इंडिया से, एक एमपी, एक मध्य भारत, तीसरा आपका विंध्य प्रदेश और चौथा आपका भोपाल स्टेट, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो खंडवा वाला, जो ब्रिटिश इंडिया का निमार वाला रीजन था, उसको तो बना दिया एक स्टेट, या आप कह लो स्टेट बोल लो या डिस्ट्रिक्ट बोलो, उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया कहाँ का, एमपी का। और जो प्रिंसली स्टेट ऑफ इंदौर में निमार वाला रीजन था, उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया किसका, मध्य भारत का, ठीक है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी खरगोन, ठीक है। ब्रिटिश वाले की कैपिटल जो थी वो थी खंडवा, और जो इंदौर वाले की कैपिटल थी वो थी खरगोन। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और नया मध्य प्रदेश बनाया गया, तो उसमें क्या किया गया, मध्य भारत वाला आपका निमार डिस्ट्रिक्ट था उसको बोल दिया गया बेस्ट निमार, और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वाले का नाम रख दिया गया ईस्ट निमार, ठीक है। ये जो ईस्ट निमार वाला है ये एमपी में पहले से ही था, ठीक है। बेस्ट निमार को बाद में फिर से ब्रेक डाउन किया गया और दो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया बरवानी और दूसरे का खरगोन। ये कब किया गया, 1998 में। तो याद रखना, बेस्ट निमार को तोड़ के दो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, बरवानी और खरगोन। बेस्ट निमार इनिशियली जो डिस्ट्रिक्ट था वो किसका था, इंदौर स्टेट का था,
और जो ईस्ट निमार है, ईस्ट निमार को तोड़ के दो डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, एक खंडवा और एक बुरहानपुर 2003 में। तो इस तरीके से जो पूरा निमार वाला रीजन था उसमें से चार डिस्ट्रिक्ट बनाएगा जो आज के टाइम पे आप एमपी के मैप में देख सकते हो। कौन कौन से? वेस्ट निमार के दो पोर्शन बनाए गए थे, एक बरवानी और खरगोन, और ईस्ट निमार के दो पोर्शन बनवाए गए थे, एक खंडवा और बुरहानपुर। ठीक है, ये जो खरगोन और बुरहानपुर है वो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे और फिर बाद में एमपी के पार्ट थे, और जो बरवानी और खरगोन वाला पार्ट है वो प्रिंसली स्टेट ऑफ इंदौर में लाया करते थे और बाद में मध्य भारत का पार्ट थे। अब फाइनली चारों के चारों एमपी के पार्ट हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें अगर निमार रीजन में, तो वो कौन कौन सी है? एक है बरवानी, हरसुद, बुंदी इन सनावाड। आगे चलते हैं, तो जैसे कि मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बता रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट निमार और ये ईस्ट निमार है, ये बुरहानपुर है और ये बरवानी है। ये चारों की लोकेशन आप मैप में देख सकते हो जो आज के प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य भारत जो मैंने आपको बताया था कि मध्य भारत में बरवानी एक डिस्ट्रिक्ट था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रिंसली स्टेट ऑफ इंदौर है और इसमें बरवानी यहाँ पे लाई करता है। आगे चलते हैं, तो दोस्तों इसी के साथ निमार रीजन वाला भी पोर्शन हमारा खत्म होता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखे थे तीन रीजन, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था आपका महाकौशल वाला रीजन, उसके बाद फिर हमने देखा बागेलखंड वाला रीजन, और तीसरे पे हमने देखा निमार वाला रीजन। ठीक है, तो आप इसमें किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में? या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ दीज रीजन, या फिर पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में पूछा जा सकता है। प्लस प्रीलिम्स में तो आप कहीं से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जो वन लाइनर के तौर पे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, पुनासा फॉरेस्ट कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो वेस्ट निमार है, वेस्ट निमार इज स्प्लिटेड इनटू टू डिस्ट्रिक्ट्स, व्हिच यू नीड टू फाइंड आउट व्हिच ऑफ देम आर दोज। ठीक है, तो आपको उनके आंसर बताने होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों जैसा भी मैंने आपको पढ़ाया सच्चा झूठा, वो मैंने इन बुक्स से पढ़ाया है। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, प्लस एडिशनल नॉलेज के लिए भी आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है इस लेक्चर के रिलेशन में या फिर आपकी प्रिपरेशन के रिलेशन में कहीं पे भी, तो आप मुझसे मेल करके पूछ सकते हैं। ये इस ईमेल आईडी पे आप मेल करके पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है street01990@gmail.com। दोस्तों अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो या फिर आपको लगता है कुछ चीज मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं। प्लस आप अगर मेरा वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अलविदा।